कसरावत तहसील के ग्राम लेपा महेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा डैम के पास शुक्रवार को पानी में एक लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों ने थाने में मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कसरावत पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। ये बताइए कि बच्चा अपना वहाँ कहाँ गया था और किस तरह? ये आए थे नहाने के लिए ओंकारेश्वर। अब ओंकारेश्वर में इनने भीड़ भीड़ कहीं ज़्यादा थी तो बोले चलो यार के खेड़ी घाट के वहीं नहा लेंगे। तो ये ओंकारेश्वर से वापस रिटर्न आए और यहाँ खेड़ी घाट पे ये घाट पे नहाने लगे। अब ये तीन जने आए थे, दो और इनके मित्र थे साथ में। क्या नाम था? एक मेरा पड़ोसी हेमंत दास और एक दूसरा है, वहीं रहता किराए से, बच्चे का मित्र है। तो आपको सूचना कैसे मिली? हमको सूचना मोबाइल पे इन लोगों ने बड़वा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब इन्होंने लगाया फोन, कौन सी तारीख की बात? ये एक तारीख शाम को 6:30 बजे की बात। कहाँ के निवासी है? इंदौर। बहने के कई सूचना ऐसे, मतलब कैसे बहा वो? मैं यही बता रहे हैं कि हम नहा रहे थे। हाँ, उसका नाम क्या है? विवेकानंद, प्यार से हम उसको विक्की बोलते थे। पिताजी का नाम क्या है? गिसालाल भंडोले। आपका ही लड़का? हाँ, मेरा ही लड़का है। निवासी का क्या? निवासी शांति नगर मूसाखेड़ी इंदौर। ये कल नर्मदा नदी जो अपना महेश्वर में डैम बना है उसके नीचे एक अज्ञात बॉडी मिली थी। इसमें जब जांच में पाया गया तो पता चला है कि ये 4-5 दिन पहले बड़वा खेड़ी घाट में नहाने के लिए दोस्तों के साथ आया था, पानी में डूब गया था, जो उसका पता नहीं चला था, जो कल अपने यहाँ बह के नदी किनारे पानी के पास मिली थी। उसको अपन अस्पताल में लाए, पीएम करवाया गया। जब जांच में पाया गया कि इसका नाम विवेकानंद निवासी ये अपना इंदौर का है, जो 5 दिन पहले खेड़ी घाट में नहाने आया था, उसके बाद बह गया था ये और कल इसकी लाश मिली है। तो घर वालों को सूचना कर दी थी तो पहचान कर ली गई है और बॉडी उनको सुपुर्द कर दी गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।